पीछे आप देख पा रहे हो, तुमको कैसा लगा भैया? भाई हम कम लखनऊ में रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। भैया पास ही के हैं तो उनको तो बढ़िया लगेगा ही। हाँ, माली अपने बेर खट्टे थोड़ी बताता है। और क्या, और बिल्कुल सही, ये बात भी सही मीठे बताएगा भाई, मेरे बात भी सही है। तो कल अभी मिलाते हैं हम सत्येंद्र भाई से, जैसे बोला था हमने। तो सत्येंद्र भाई कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? आप तो काफी दूर से आए हैं। हाँ हम यहाँ पे पहले भी, मतलब यहाँ नहीं आए, लखनऊ आ चुके हैं पहले, घूमे थे, बहुत बढ़िया लगा। और जनेश्वर मिश्रा पार्क भी काफी बड़ा है, बहुत बढ़िया शानदार है। आए हुए काफी उम्मीद लेके आए होंगे लखनऊ से। हाँ उम्मीद थी तो, मतलब उम्मीद से बेहतर हुआ, उम्मीद से बेहतर मिला है ना। काफी हमने वीडियो बनाया, शूटिंग लोकेशन वगैरह के, और व्लॉग भी शूट कर रहे हैं साथ में। बिल्कुल सही। और मैंने करी अभी स्टेट चार ही घूमे यार, देखो दिल्ली गए, केंद्र शासित प्रदेश, और अपना यूपी और राजस्थान, उत्तराखंड और बिहार, इतना मैंने अभी तक कंप्लीट किया है। और इतने में मैंने करीब 350 भी ज़्यादा वीडियो बना दी। तो स्वागत करता हूँ यूट्यूब पर, मेरा नाम है सज्जना, तो आप देख रहे हैं स्कैन फिर यूट्यूब चैनल। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि भी काफ़ी सारे पार्कों की वीडियो मैंने बनाई, और आज मैं आ चुका हूँ फाइनली जनेश्वर मिश्र पार्क में, जो कि हमारे जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है, जिसमें जिसको हमारे बनवाया था समाजवादी पार्टी के नेता जो अखिलेश यादव हैं, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। जो एक नेता थे हमारे समाजवादी पार्टी के, जनेश्वर मिश्र, उन्हीं के, उनके दिवंगत होने के याद में बनवाया गया था ये पार्क। इस पार्क की अगर बात करें तो लगभग 1.52 किलोमीटर एरिया में बना हुआ है, मतलब काफ़ी बड़ा पार्क है। फिलहाल अभी आगे अंदर चल के आपको बताते हैं कि मतलब कितना बड़ा पार्क है, क्या क्या इसकी फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें अभी आपको चल के दिखाते हैं। तो आज बनाए वीडियो को, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो, इस तरीके के ब्लॉग्स, मूवी शूटिंग लोकेशन मिलने वाली हैं। तो वही चलते हैं अंदर, आप लोग को दिखाते हैं अभी। तो भाई चलते हैं अभी, लेते हैं टिकट, बाकी सारी डिटेल आपको अंदर चल के मिलेगी। तो ये है टिकट यहाँ का, देखिए 10 रुपये टिकट है, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं इसकी। तो भाई अभी हम लोग कर चुके हैं पार्क के अंदर इंटर, सामने आप देख सकते हैं एक टैंक रखी हुई है, पता नहीं चलती है कि नहीं चलती है, फिलहाल ये रखी हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हो। एक इधर, एक टैंक इधर इधर रखी हुई है, एक इधर रखी हुई है, आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी लग रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि कब कब ये बना था और किसने बनवाया था। ये जनेश्वर मिश्र लखनऊ पार्क का शिलान्यास श्री मुलायम सिंह यादव, काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं।
गाइस अभी हम कर चुके हैं पार्क के अंदर इंटर, और आप हमारे पीछे आप देख सकते हो गाड़ी खड़ी है। अगर यहाँ पे घूमना चाहते हो तो मतलब काफ़ी बड़ा पार्क है, अगर आपको घूमना है तो गाड़ी से आप घूम सकते हो। हमारे पीछे हमारे साथ में भाई लेना नहीं चाहते, गोल-गोल घूम रहे हैं, इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, देख नहीं पाए, हम गाड़ी दिखाने चक्कर में थे। आपको आपको कहे नहीं लेंगे, हमको दुश्मनी थोड़ी ना भाई आपसे कोई। हमने कहा हम पीछे पीछे घूम रहे भैया, हमें कैमरा में ना लग रहा है। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत फहमी है, ठीक है। सत्येंद्र भाई की कहावत, भट्ट गंवार हो। हाँ वो तो है, है ना, गांव से है। तो वैसे हमारे साथ में अभी हैं एक स्पेशल लोग, जिसको शायद आप लोग जानते हो, अगर यूट्यूब पर हैं अगर ब्लॉग देखते हैं, मोस्ट ऑफ लोकेशन देखते हैं, ठीक है, तो आप उनको 101% जानते होंगे। तो गाइस ये है जिनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ का मैप, आप इसके हिसाब से घूम सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको हर एक चीज़ दिख जाएगी। जैसे कि यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे इसकी जो विशेषताएँ हैं वो लिखी हुई हैं, जैसे हरित क्षेत्र, झील व फवारा, ये सब यहाँ के राष्ट्रीय ध्वज, खेल का मैदान, जिम, साइकिल ट्रैक, जॉगिंग पार्क, बैटल टैंक, MiG-21 थीम पार्क, गंडोला, ये गंडोला क्या है, सोलर प्रकाश व्यवस्था, काफ़ी सारी चीज़ें आपको फैसिलिटीज यहाँ पे मिल जाती हैं, जो जिसका आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस जो ये प्रतिमा देख रहे हैं, ये यही हैं जिनेश्वर मिश्र, जिनकी दिवंगत याद में बनवाया गया था ये पार्क, यही है उन्हीं की प्रतिमा है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे जहाज़ लगे हुए हैं, प्लेन लगे हुए हैं बड़े बड़े, जब देखो काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े लगे हुए हैं। तो गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे फाउंटेन चल रहे हैं, अभी लगभग समय हुआ है चार बज रहे हैं, ये 4 बजे से जो फाउंटेन है सारे स्टार्ट हो गए हैं, आप देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े फवारे हैं, काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं, ये इतनी हाइट है इनकी, ये आप देख सकते हो। और मेरी इनकी जो छींटे हैं काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आपको कैमरे पे लग रहा होगा कि हल्का बिंदी पड़ी हुई है, ये इसी फवारे की छींटे हैं। गाइस पूरे पार्क में आपको लगभग आधे पार्क में आपको ये तालाब मिल जाते हैं, आप जो ये वाला ब्रिज देख रहे हो उसके साइड में भी तालाब है, और इधर साइड भी तालाब ही है, और ये आप इधर के देख रहे हैं आप, इधर भी मुड़ के गया है, यहाँ पर भी तालाब है चारों तरफ, और एक वो एकमात्र ब्रिज है इधर आने के लिए, उस ब्रिज से आप इधर आ सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे फवारे तो चल ही रहे हैं, ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है शाम को, अगर आप आएंगे भाई 5 से 6 बजे के बीच तक, तो आपको काफ़ी सारा मज़ा आने वाला है इस पार्क में। जूती नहीं, यहाँ एक तरफ अगर सीता बना दो ना, जूती है बिल्कुल, नोक वाली जूती नहीं, वो जो दूल्हे पहनते हैं बैटरा कहाँ भैया, हाँ बैटरा रखा हुआ, वो रखा हुआ है, बैटरी होती है छोटी, है उसका बड़ा साइज है तो है बैटरा, बैटरी का भाई बड़का भाई बैटरी बैटरा। गई यहाँ पे हरियाली, आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं, आप ये जो फ्लावर के पेड़ लगे हुए, फ्लावर के पेड़ आप देख सकते हो, फ्लावर देख सकते हो आप, ये जो पेड़ देख रहे हो कितने हरे हरे लगे हुए हैं, यहाँ देख के आप समझ सकते हो यहाँ पे कितनी हरियाली है इस पार्क में, ये आप देख सकते हैं कितना अद्भुत नज़ारा है। और ये यहाँ पे नीचे पानी चल रहा है, इस तरीके से यहाँ पे पानी दिया जाता है,
भाई लखनऊ में आपको तीन टाइप के आपको बांस मिल जाते हैं। एक का साइज़ बहुत मोटा होता है, एक पीले पीले होते हैं और एक ये ब्लैक वाले बांस हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्लैक वाले बांस हैं और पीले वाले बांस पीछे थे, दिखाने अभी आगे भी हैं, उधर साइड में आप देख सकते हो। इधर से इसके इधर साइड में यहाँ पर आप जहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो, उधर साइड में भी पीले वाले बांस हैं, वो भी चल के दिखाते हैं। फिलहाल अभी तो ये देखो जो पहले गाड़ियाँ दिखाई थी वो चल रही हैं, वो देखो जा रही है। और उधर आप देख सकते हो प्री वेडिंग का शूट चल रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये गिम्बल लिए हुए हाथ में और ये पोर्टल लाइट भी रख। तो गाइस अभी घूमते घूमते काफ़ी हो चुकी है देर, लगभग वही 4:30 यहाँ पे आ गए थे, बज चुका है 5:30 बजने वाला है, ठीक है। अभी मैं लगभग जो जनेश्वर पार्क में जो तिरंगा है उसके पास में पहुँचने वाला हूँ। आपको पीछे दिख रहा होगा शायद, नहीं अभी पीछे से लाइट आ रही सूरज की तो नहीं दिख रहा होगा, और मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि जो यहाँ पर जो लाइट का सिस्टम है पूरा ये इन सोलर पैनल से इन्हीं से पूरा चलता है, लाइट वाला कोई काम नहीं है। भाई यहाँ पे देख सकते हो, अभी बैक कैमरे से हम दिखाते हैं आप लोगों को। बस ये एक लाइन यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, एक लाइन ये हो गई और ये पीछे आप देख सकते हो कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है सोलर पैनल की। मैं आप आगे चल के दिखाते हैं अभी, ठीक है। ये यहाँ से शुरू है, ठीक, यहाँ से शुरू है और ये इधर काफ़ी बड़ी सारे के सारे पैनल हैं देख सकते हो। और ये इसे आप समझ सकते हो कितना लाइट का खर्चा होता होगा इस पार्क में, जो कि पूरा का पूरा इन्हीं सोलर पैनल की वजह से मैनेज किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो भाई काफ़ी देर घूमने के बाद मैं पहुंच चुका अभी तिरंगे के पास में, जैसा कि लगभग काफ़ी बड़ा यहाँ का तिरंगा है, आप ये देख सकते हो पीछे, ठीक है। ये रहा अपना तिरंगा, ठीक है। अभी इसके पास अभी चल के थोड़ा शॉर्ट्स वगैरह लेते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ हमारे साथ में वो रहे उधर से यहाँ पर जा रहे, वो मनोज आ रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं वहाँ पर, उधर जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ उधर, ठीक है।
भाई शाम होने की वजह से वीडियो की क्वालिटी थोड़ा शायद ख़राब आ रही हो, ठीक है उस पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो गया, छाँव लग रहा है तो क्वालिटी में थोड़ी गिरावट आ सकती है। बाकी मैं जैसा कि आप देख पा रहे हो ये है भाप का इंजन और जनेश्वर मिश्र पार्क के काफ़ी जब लगभग लास्ट में पहुँच जाते हैं तब ये रखा हुआ है, हम लोग आ चुके हैं उसी के पास में, ठीक है। तो चलिए थोड़ी बहुत जानकारी इसके बता देते हैं। बाकी आप लोग ऐसे जो इंजन है आपने पुरानी जो मूवी हैं उनमें देखे होंगे आपने, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले गदर मूवी का नाम आता है जिसमें सनी देओल वो झोंकते कोयला झोंकते होते आते हैं, लड़ाई वड़ाई करते हैं, उसी ट्रेन में लगा होता है इंजन, भाप का इंजन है। चलिए दिखाते हैं ये जो लगा हुआ है, कुछ जानकारी दी हुई है इस इंजन के बारे में। जैसे इंजन मीटर गॉज मेकर टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, ये काफ़ी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है कि कितनी स्पीड से चलता था, क्या इसकी कैपेसिटी क्या होती थी, काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसमें आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। बाकी और ये रहा हमारा इंजन, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखता है जो कि लगभग एग्जैक्ट उसी तरीके से रखा हुआ है। देख सकते हो पहिए भी और ये पट्टी भी थोड़ी सी थोड़ा सा ट्रैक भी बिछा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हो थोड़े लाइट आ रही है यहाँ से, सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो दिक्कत होती है, बाकी ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ये पहिए देख सकते हैं आप, बाकी इसके जो ब्रेक्स हैं, ब्रेक वगैरह सब कुछ है इसमें। और ये यहाँ से इसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल रूम, ये यहाँ से इसको कंट्रोल करते हैं। लाके चला तो नहीं है काफ़ी दिनों से, बाकी जो सेटअप है पूरा सेटअप जैसा होता है वैसा ही है। ये आ रहा है जहाज, ये देख सकते हो कितनी स्पीड से जा रहा है, कितनी ऊंचाई से भी ज़्यादा कुछ ऊंचाई तो है नहीं इसकी फ़िलहाल। ये गया फिलहाल, पकड़े रहेंगे इसको, ये जा रहा है, ये निकल गया। तो गाइस कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, लगभग पूरा का पूरा पार्क में घुमा दिया, पीछे आप देख रहे हो इनको तो जानते हो लगभग वीडियो में आते रहते हैं तो अगर लगभग लखनऊ के सारी के सारी वीडियोज है, मूवी शूट की लोकेशंस हो या ब्लॉग्स हो, अगर आपको देखना है तो अनुज क्रॉस चैनल पर चले जाइए, ए टू जेड चीज़ें आपको मिल जाएगी। बाकी मिल जाएगा यार, पीछे नहीं सर लेके काफ़ी जर्नी किए हैं, बता दीजिए फिलहाल। मैंने करीब अभी स्टेट चार ही घूमे यार, देखो दिल्ली गए, केंद्र शासित प्रदेश और अपना यूपी और राजस्थान, उत्तराखंड और बिहार, इतना मैंने अभी तक कंप्लीट किया है और इतने में मैंने करीब 350 भी ज्यादा वीडियो बना दिए हैं। हाँ। और सारे के सारे इंटरेस्टिंग भाई साहब, सारे के सारे ऑसम वीडियो आपको मिलेंगे, काफी ज्यादा पब्लिक आ रही है, सब लोगों का प्यार आ रहा है, अलग अलग राज्यों से लोग मैसेज कर रहे, कमेंट कर रही है, अच्छी चीज लग रही है यार। और ऐसे प्यार बनाए रखे हैं, लखनऊ में भी काफी लोग प्यार दे रहे हैं और हम लोग लखनऊ को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल ये लोकेशन लखनऊ की है, आप लोग देखो यहाँ विजिट करें, जरूर आओ किसी भी राज्य से हो। वैसे कैसा लगा पार्क में यहाँ पे आके, कितनी बार आ चुके हो अभी तक? मैं दूसरी बार आया हूँ, फाइनली बता रहा हूँ। सत्यन भाई हमारे साथ में पीछे थोड़ा सा देख पा रहे हो, रेड कलर में सत्यन भाई है, सत्यन भाई और उसके साथ में है माई स्मार्ट ब्लॉगर। तो अभी ये 2-3 दिन से हमारे पास में थे और हम इनके घर गए थे, तब से हमारी जान पहचान हुई थी, यहाँ पे आए, हमने मौका उनको दिया यहाँ घूमने का और हमारे पास रुके और हमने उनको घुमाया है, साथ में आपने भी लुफ्त बिल्कुल मजा आया, ऑसम पर्सन है, हमने मिलकर भाई बहुत मजा आया। तो भाई अभी चलते हैं मिलाते हैं सत्यन भाई से, मिलाते हैं और माई स्मार्ट ब्लॉगर से भी बात करते हैं कुछ। तो भाई अभी मिलाते हैं सत्यन भाई से, जैसे बोला था हमने, तो सत्यन भाई कैसा लगा आपको यहाँ पे आके, आप तो काफ़ी दूर से आए हैं? हाँ हम यहाँ पे पहले भी मतलब यहाँ नहीं आए, लखनऊ में आ चुके हैं पहले, घूमे थे, बहुत बढ़िया लगा। और जनेश्वर मिश्रा पार्क भी काफ़ी बड़ा है, बहुत बढ़िया शानदार है, आया हूँ काफ़ी उम्मीद लेके आए होंगे लखनऊ से। हाँ उम्मीद थी तो मतलब उम्मीद से बेहतर हुआ, उम्मीद से बेहतर मिला है ना, काफ़ी हमने वीडियो बनाए, शूटिंग लोकेशन वगैरह के और ब्लॉग भी शूट करें साथ में। बिल्कुल सही, और ये पीछे आप देख पा रहे हो, तुमको कैसा लगा भैया? हम कम लखनऊ में रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है भैया, पासी के हैं तो इनको तो बढ़िया लगेगा ही। हाँ, माली अपने बेर खट्टे थोड़ी बताता है, और क्या, और बिल्कुल सही, ये बात भी सही बताएगा भाई, मेरे बात भी सही है। तो भाई चलते हैं, अगर वीडियो कमेंट करके जरूर बताना कि ब्लॉग कैसा लगा आपको, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल में पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। गाइस ये बन के हो गए हैं लौंडे के, अब जल्दी मोनेटाइजेशन इनेबल करवा दीजिए। लौंडे के हो गए हैं, अभी पार्टी देना बाकी है, पार्टी ले लेना भैया, पार्टी ले लेना भाई, सबको बुलाएंगे, जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गाना है, मोनेटाइजेशन जल्दी इनेबल, पार्टी तो बनती है, डिलीवर करते रहो, ये बात है, डिलीवर करते रहो भैया, बिल्कुल। तो गाइस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
लेना हो तो बताओ। अगर आप नहीं गए तो मुझे रखिए।